नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसे। आज मुद्दा है बगावत, लेकिन हम बात करेंगे बागियों को बनाने के जतन की। बीजेपी और कांग्रेस द्वारा पार्षद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते ही बगावत की आग भी जल उठी है। नाराज और असंतुष्ट नेता इस आग में अपनी पार्टी को झुलसाने पर आमादा है। पार्टी दफ्तर हो या नेताओं का दर या फिर सोशल मीडिया, टिकट से वंचित नेता अपना दर्द खुलकर बयां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। जाहिर है इन हालातों में राजनीतिक दलों के सामने कार्यकर्ताओं को साधना बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब निकाय चुनाव को मिशन 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो बीजेपी अपने नाराज कार्यकर्ताओं की शिकायत अपील समिति में सुन रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या दोनों ही दल अपने रूठे नेताओं को मनाने में सफल होंगे? क्या इनकी नाराजगी निकाय चुनाव के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव डालेगी? तो बगावत की आग पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में बगावत की आग जल उठी है। प्रत्याशियों के नामांकन जमा होने के बाद तो विरोध और भी तेज हो गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, असंतुष्ट नेता जबरदस्त नाराज है। उनकी नाराजगी के सुर राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के करीब करीब हर शहर में सुनाई दे रहे हैं। जिस तरीके से नाइंसाफी विदिशा में कर रहे हैं, वार्ड नंबर 18 में एक व्यक्ति को जाति के नाम पर उन्होंने टिकट किया है, जिसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। मैं अपील समिति के सामने अपना पक्ष रखने आया हूँ। मैं आज 25 साल से बीजेपी की सेवा कर रहा हूँ, मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया? उसके मापदंड क्या थे? मेरे को टिकट ना देने के पीछे रीजन क्या था? चुनावी घमासान के बीच टिकट ना मिलने से नाराज कई बागी नेताओं ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिए। अब ये बागी सियासी खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। प्रदेश में सबसे ज्यादा महापौर पद और उसके बाद पार्षद पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस बागियों के शोर को थामने की कोशिश में है। ये निर्देशित माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने किया है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम ये प्रयास करें कि जो हमारे अन्य साथियों ने फॉर्म भर दिए थे, वो अपने साथ फॉर्म वापस ले और ले भी रहे अधिकार। तो जी ने जो बात मेरे से वार्ड 27 के लिए कही है, वो टिकट में मुझे दे देंगे। आप लोगों की उपस्थिति बात करके मैं नेतृत्व से बात करके निकाय चुनाव को साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन कोई भी चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं की ही दम पर लड़ा जाता है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं की निराशा बगावत की आग जला रही है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, पार्टी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं का दर्द खुलकर दिख रहा है। जाहिर है इन दोनों हालातों में राजनीतिक पार्टियों के सामने कार्यकर्ताओं को साधने की चुनौती है। कमलनाथ ने तो पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि टिकट कटने से निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि चुनाव में किसी एक साथी को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी के उम्मीदवार नहीं बन पाए साथियों को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। अब रूठों को मनाने कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है, तो बीजेपी ने भी अपील समिति बैठा दी है, जो नाराज दावेदारों की शिकायतें सुन रही है। नगर निगमों के जो मामले हैं पूरे मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम के, क्योंकि उनके फैसले संभागीय समिति में हुए थे, इसलिए उस पर किसी को कुछ कहना है, कुछ आपत्ति है, तो वो मामले हमारी समिति में हूँ, बंसीलाल गुर्जर जी हैं और विनोद गोटिया जी हैं, हम लोग सुन रहे हैं और कल काफ़ी मामले उसमें निपटाए हैं जो हमारे पास आए। अब उसमें मेरिट के आधार पर बाकी सारी जानकारी लेकर के संगठनात्मक जो हमारी रचना है उसमें सबसे बातचीत करके निर्णय करते हैं। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की अपील समिति पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी अपील कमेटी बना के बैठी है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सर फटाफल के हालात बनेंगे, तो जितना नुकसान होना है, जितने समीकरण बिगड़ने हैं, वो सब भाजपा के बिगड़ने हैं, जिन्होंने जनता का काम नहीं किया, जनहितैषी काम से उनको सरोकार नहीं रहा। बहरहाल निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। पार्टी के नेता नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद कर रहे हैं। जाहिर है आने वाला विधानसभा चुनाव कार्यकर्ताओं के ही दम पर तो लड़ा जाएगा, ऐसे में रूठों को मनाना जरूरी भी है ताकि बगावत की आग बुझ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो बगावत की आग पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीत धीर, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अपराजिता पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बगावत देख रहे हैं आप, दोनों तरफ हो रही है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतले जल रहे हैं जेपी धनोपिया के, और बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चाहे सोशल मीडिया पे देख लीजिए, टिकट बट भी रहे हैं, कट भी रहे हैं, और नाम भी बदले जा रहे हैं। क्या दोनों ही दल साथ पाएंगे इन बागियों को? आज तो बीडी शर्मा ने कह दिया कि जिन्होंने पर्चे भरे हैं वापस ले लीजिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। देखिए ब्रजेश जी, जब आप किसी भी चुनाव में जाते हैं, खास तौर पर निकाय चुनाव जैसी इकाई में जाएंगे, तो उसके पहले निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की आशाएं अपनी पार्टी से होती हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए काम करता है। कैसे काम करता है? कहीं दरी बिछाना हो, कुर्सी लगाना हो, झंडे बैनर लगाना हो, या मतदान केंद्रों पर जाकर उसे तैनात करना हो, लोगों के साथ जनसंपर्क में जाना हो, तो सारे के सारे काम जब कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन जब टिकटों की बारी आती है, मलाई वाली जगह की बात आती है, सत्ता में भागीदारी की बात आती है, तो उस कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जाता है। आप देखें, युवक कांग्रेस ने कल कांग्रेस के टिकटों को लेकर जिस तरह की बात कही और जिस तरह से पुतला फूकने की बात सामने आई, उससे आप समझ सकते हैं कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरह का पार्टी के टिकट को लेकर असंतोष है। अब भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा ने जब टिकट घोषित किए तो भाजपा ने भी कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया। विधायकों की चलिए, विधायकों ने अपनी मनमानी करते हुए, कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे वार्ड में रहता है, लेकिन वो चूंकि विधायक का खास है, इसलिए उसे किसी दूसरे वार्ड में टिकट दे दिया गया है। और उसकी वजह से यह हुआ कि जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो बेहद नाराज हो गया। उसका सोचना यह है कि क्या मैं खाली झंडे बैनर लगाने के लिए हूँ, या नेताओं के जयकारे लगाने के लिए, या उनके स्वागत के लिए फूलमाला पहनाने के लिए हूँ। तो इस तरह की स्थिति जब बनेगी तो यही हालत बनेगी। देखिए, जो लोग निर्दलीय लड़ने के मूड में या जो दो तैरने के मूड में, उन्हें पार्टी के किसी निर्देश से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आप देख लेना, कल चूंकि पार्टी में नाम वापसी का दिन है, नाम वापसी कितने होते हैं और कितने लोग निर्दलीय लड़ते हैं या किसी अन्य दल से भी फार्म हासिल कर उसके टिकट पर लड़ते हैं। तो आप यह तो तय मानिए कि कार्यकर्ता इस समय दोनों दलों के नाराज हैं। नाराजगी की वजह भी है, अब विधायकों का दबाव हो, कार्यकर्ताओं को विश्वास में आप नहीं ले रहे हैं, पदाधिकारियों को भी टिकट देना, बात करते हैं आपके, हमारे यहाँ सब एक व्यक्ति और एक पद का सिद्धांत चलता है, मतलब बागी हो रहे हैं तो उसकी वजह भी है। तो गीत जी, आपने तमाम तरह की गाइडलाइन बनाई कि परिवारवाद से टिकट नहीं देंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन जिन विधायकों की मनमर्जी चली, तमाम तरह अपराधियों को आपने टिकट दे दिए, बाद में आपको काटना पड़े, तो फिर कैसी गाइडलाइन थी आपकी? कैसे नीचे से आपने तीन नाम मांगे थे? वो सिस्टम कहीं नहीं था, पहले ही कॉलेप्स हो चुका था। मनमर्जी से टिकट दिए इसलिए काटना भी पड़ रहा है, और अब बागियों को धमकी भी देना पड़ रही है। और एक बागी तो आपके सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि जानवरों से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत नहीं है, खूंटे से बंधे हुए इतने दुखी जी। अगर ये सत्य होता तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी क्या भाजपा ऐसी बन सकती थी? देखिए, ये बात जरूर है कि एक ही टिकट है एक वार्ड से, और व्यक्ति को मिलना है एक ही, तो निश्चित रूप से लोग अपने अपने मन में अपेक्षाएं रखते हैं, और उनका मन की जो अपेक्षा है वो तो पहला हक तो उसी का होगा ना, जो 25 साल से काम करने वाला है, या दूसरे का हक मिल जाएगा, या दूसरे वार्ड में रहने वाले को दे दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए, योग्यता किसी व्यक्ति की कहीं पे निपुण साबित होती है, किसी व्यक्ति की किसी क्षेत्र में साबित होती है। जो राजनीतिक क्षेत्र है और जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यों की कमी नहीं है, और यहाँ पर आज जिनको टिकट नहीं मिला वो किसी और क्षेत्र में हमारी पार्टी में निश्चित रूप से स्थान लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारी जो है सुशासित पार्टी, यहाँ पर किसी प्रकार का, अभी एक दो दिन की बात रहती, सबको बुरा लगता है अगर कोई अपेक्षित अपने आप को समझता है और उसको उसकी अपेक्षा पे हम कहीं ना कहीं पूर्ण उसको होते हुए नहीं देखते, तो अपनी बात जरूर रखता है। लेकिन आप देखें, अभी मैं स्वयं एक बैठक से आ रहा हूँ, वार्ड 24 में मेरा निवास है श्यामलाल सर, और यहाँ पे अभी बैठक थी, 10 मिनट पहले ही मैं वहां से निकला हूँ। तो यहाँ पर जो लोग मांग रहे थे टिकट, वो उस बैठक में खुद सम्मिलित थे, क्योंकि जो प्रत्याशी है उसको जिताने के लिए हम लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, और हमारी जो कार्य है, जो हमने कार्य किए हैं, उसको जनता तक के और कैसे पहुंचाया जाए, जबकि हमारे यहाँ पर कोई विरोध किया ऐसी कोई भावना ना मुझे देखने को मिली। यहाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बोला ना, व्यक्ति के मन में पीड़ा होती है, क्योंकि कांग्रेस तो एक गांधी परिवार ही है, उनके लिए पार्टी, और यहाँ पर जो है वो पार्टी जो है वो पूरा परिवार है।
परिवार में आदमी अपनी बात रखता है और निश्चित रूप से यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो जहांगीराबाद में तो आपके यहाँ भी बागी हो गए, आपके यहाँ भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के नेताओं पर, तो आप अपनी पार्टी की तो बात कीजिए गीत जी, अपना घर दुरुस्त कर लीजिए, दूसरे घर पे क्यों पत्थर फेंक रहे हो? जी आप कह रहे हैं आ रहा हूँ अपराध आपके तमाम जगह के लोग आपके विद्रोही हो गए, कुछ ने किसी ने कांग्रेस से टिकट ले लिया, किसी ने आप पार्टी से, किसी ने अन्य दलों से ले लिया है, आप कहे तो मैं नाम भी ना। आपने कहा था ना परिवार बात चलेगा, लेकिन नड्डा जी का जो फार्मूला भी ध्वस्त हो गया। नहीं सूर्यकांत जी भाई साहब एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका आकलन जो है गलत नहीं है, लेकिन सूर्यकांत भाई साहब ये जो गयाराम और आयाराम है ना, अब देखिए इस प्रकार से तो पन्ना के राजकुमार जैन जी भी आए, लेकिन नाम गिनाने से इससे कुछ वो नहीं है, ये चुनाव में कई बार चलता है, लेकिन देखिए फार्मूले बनाते ही क्यों, गाइडलाइन बनाते ही क्यों जी, जब बनाई है तोड़ ही रहे हो खुद ही। ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास, अपराजी का बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। आपके यहां तो युवक कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रहा है कि एक भी युवा को नहीं दिया, आज तो पुतला दहन भी हो गया, कैसे मनाएंगे आप इन नाराज लोगों को, सिर्फ एक वीडियो मैसेज देकर, एक ऑडियो मैसेज देकर कमलनाथ जी का? देखिए अपराजिता, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस पार्टी जो ये बार पर, पहले एक चीज जवाब दे दूं क्रम के अनुसार, फिर आपके उस पे बात पे आते हैं। जी जी, ये हर कोई बीजेपी का प्रवक्ता एक चीज से शुरू करता है, रट्टू तोते की तरह इनको लाइन दी जाती है, ये बार बार उसको बोलते रहते हैं, बार बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देश की तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भाई ऐसी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके कारण हाल ही में भारत को, हम सबको, आपको चौक पे जी, मुझको शर्मसार होना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी विश्व पटल पर। तो ये है भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बनती है। आज इनकी भोपाल, मध्य प्रदेश में इनकी क्या हालत है मैं आपको बताती हूँ। तीन गुट है, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट, और बाकी जो इन्होंने अपराधियों को टिकट दिए जो वापस लाना पड़ा, स्वाति कासिर, ये सब जो इनको पता है गीत जी को जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप कांग्रेस की बात क्यों करते रहते, आप भारतीय जनता पार्टी पे तो जवाब दीजिए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जो चुनाव है नगरीय निकाय के, वो तीन चार मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। निर्वाचन आयोग को दखल देनी पड़ी, निर्वाचन आयोग ने दखल दी, इनको फटकार लगाई कि इंटीरियर में सड़कें नहीं है तो चुनाव जल्दी कर लीजिए। ये है इनका 17 साल का कुशासन जो मध्य प्रदेश की जनता का हर वर्ग आज आक्रोशित है और इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, सोचिए भोपाल में हम रहते हैं, आप और हम भोपाल के निवासी हैं, मालती राय इनकी खुद की महापौर की प्रत्याशी कहती है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में मैं खत्म करने आई हूँ। मतलब उन्होंने खुद स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। इनके खुद के महापौर आलोक शर्मा बैठ जाते हैं खुद की पार्टी के खिलाफ धरने पर, तो कैसी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में, ये सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से साफ रूप से आ गया। एक और चीज मैं चौकसी जी आपको दिखाना चाहती हूँ, एक प्रमुख अखबार की हेडलाइन, शिवराज जी 17 साल बाद कहते हैं देखना जीते नहीं तो उद्घाटन भी नहीं कर पाऊंगा, उद्घाटन भी नहीं कर पाओगे। सोचिए उनको खुद की अपनी हार का इतनी बौखलाहट है कि वो उन्होंने पूरी प्रत्याशियों में भी उनको अपराजिता जी नहीं, आपने तमाम तरह के हमले किए लेकिन जवाब तो नहीं दिया आपने कि युवक कांग्रेस क्यों नाराज है, आपके लोग क्यों नाराज है और कैसे मनाएंगे उनको, कहीं इनकी नाराजगी भारी ना पड़ जाए। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका बहुत आपको सिंपल और स्पष्ट आंसर मैं दूंगी संक्षेप में। कमलनाथ जी जैसे उन्होंने सरकार चलाई 15 महीने की, जो मैंने आपको बताया 15 महीना बनाम इनके 17 साल का कुशासन, वो सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं। जिसको टिकट देना था उसको बोला गया कि टिकट मिलेगा, और उस प्रत्याशी को टिकट मिला जिन्हें जनता की सेवा करना चाहते हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं। देखिए एक परिवार की तरह सब जब बैठते हैं, किसी में किसी को नहीं मिला, किसी को नाराजगी हो सकती है, स्वाभाविक है, उसकी बात सुनी जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र से चलती है, ऐसा नहीं होता है कि नागपुर से गाइडलाइन हो जाए और पूरे देश में हमको उसको फॉलो करना पड़े। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, उनका वर्किंग स्टाइल नहीं। हमने सत्य बोला, किसी भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोगों को, आप हमारे पार्टी में लोगों को अपने ऊपर घात प्लेट नहीं डालना पड़ा, चिल्ला चिल्ला के नहीं कहना पड़ा। हमारे मैंने जो आपको बताया तीन गुट नहीं है, कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक साथ
पूरे एक परिवार की तरह पूरी तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से चुनाव सच्चाई पे लड़ा जाएगा और मुद्दों पे लड़ा जाएगा। ये इनका इनकी जैसे नहीं कि बातें करो विकास की और काम करो ध्रुवीकरण का, इनके मुद्दों पे चुनाव होगा, मुद्दा नहीं है। उनके यहाँ जो नाराज है वो मना लिया जाएगा। और जो गाइडलाइन कमलनाथ जी ने एक बनाई थी, क्योंकि एक ही कांग्रेस है कि भारी व्यक्ति को नहीं देंगे, जो बाढ़ का निवासी होगा उसको देंगे, लेकिन आपकी गाइडलाइन तो तमाम तरह की टूट गई। और जो आरोप लगाया है अप्रिजा ने कि भ्रष्टाचार खत्म करने का आरोप आप किस पे लगा रहे हो, कैसे खत्म करोगे? आपके महापौर थे, आपकी सरकार है, उनके तो महापौर रहे नहीं, 22 साल पहले थे, तो कौन भ्रष्टाचार कर रहा था? खुद के ही पाले में, मतलब आप ही भ्रष्टाचार कर रहे थे, आप ही मिटाएंगे। ब्रिजेश जी, ये विभव जी को जिन्होंने टिकट दिया है, पहले तो वो ये बताएं कि क्या योग्यता देखकर दिया, क्योंकि 18 साल पहले उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ही लगा था। शायद आदरणीय अपराजिता जी ये भूल गई हैं और उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। तो देखिए, ये पहले तो इस बात का जवाब दें कि कार्यकाल क्यों नहीं पूरा हो पाया था और भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने क्या इस्तीफा नहीं दिया था, क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे उनके ऊपर? और क्यों क्यों मेरा आग्रह है अपराजिता जी बीच में ना बोले। ब्रिजेश जी अच्छा चेक करें कृपया, उन्होंने खुद आपके कमलनाथ जी भी इसी प्रकार से घबरा गए, एक तरफा बात करके चले गए, उन्होंने ऑडियो जारी किया। आप घबराइए नहीं, आप उत्तर ले लीजिए। उसके अलावा आप जो बातें कर रही है ना बिजली सड़क और पानी की, अभी मैं कुछ ही दिन पहले पूरा भ्रमण करके आया हूँ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर से, वहाँ पर सड़कों के हाल सबने देखे, मध्य प्रदेश की सड़कें सबको मालूम है। और आपको अगर यकीन ना हो तो टोल टैक्स की पर्चियां हैं मेरे पास में। अब जो आप बात कर रही बिजली सड़क और पानी की, ये तो मुद्दे ही खत्म कर दिए ना हमने। और जो है यहाँ पर आप विकास कार्य बनाइए, आपने क्या किया था? नर्मदा का जल के आप लेके आए थे, स्मार्ट सिटी के आप लेके आए थे, आप तो विकास कार्य गिनवाइए। आप क्या विकास कार्य करने की योजना रखती है? आप विकास कार्य तो कर भी नहीं पाएंगे और आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना किए हैं ना कर पाएंगे, क्योंकि ना आपकी सरकार इस बारे में सोचती थी, ना नियत है, ना नीति है, ना प्रणाली है, ना कार्यकर्ता है। आपके सबसे ज्यादा सिर फुटबल तो आपके यहाँ हो रही है इस बार जी। आपके यहाँ केरोसिन डाला जा रहा है, आपके यहाँ देखिए गदर हो रहा है, आप अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, काट रहे हैं बाद में। एक आध जगह देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जहाँ लोग याद आए, थोड़े बहुत चीजें हो सकता आएंगी, लेकिन देखिए बिल्कुल वो साथ में एकजुट होके कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे कि जो प्रत्याशी उसके साथ में खड़े देखेंगे। अब ये क्यों नहीं दिखता है कांग्रेस में? कांग्रेस में ये चीज जो है हमेशा भ्रष्टाचार का रूप क्यों ले लेती है? कांग्रेस में बुकलाट क्यों दिखती रहती है? इनकी प्रवक्ता अभी दिखा रही है अपराजिता। आप देखिए अपराजिता जी अपने समय पे नहीं बल्कि मेरे समय पे बोल रही है, यही बुकलाट अपराजिता जी में है। किन मुद्दों पर बात करेंगे? निश्चित रूप से इनका जो आचरण है कांग्रेस का, यही आचरण रहा है कि हस्तक्षेप करो, दूसरे की योजनाओं को अपना बनाओ, लेकिन जनता इन्हें नकार चुकी है। और अब ये कितनी भी कोशिश करते हैं, टूटी हुई पार्टी है, डूबते हुए जहाज की सवारी करेगा कौन? निश्चित रूप से कुछ दिनों में आगामी चुनाव के जो नतीजे हैं, किधर के बाद तो आगे बढ़ जाएंगे। आपके सवालों का जवाब ले रहे हैं। आपने अपने 17 साल के कुशासन में नर्मदा पानी का कुछ योजना बना पाए? दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार की उपाधि किसने दी थी? जनता ने दी थी ना, क्यों दी थी? और उन्हीं ने टिकट बांटने में जो है विभा पटेल जी को जीतू बटवारी जी के नीचे। आप खेमों की बात करते हैं अपराजिता जी, आपके यहाँ पर खेमे बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर कभी आपने सुना कभी कैलाश जी बोल रहे हैं या सिंधिया जी बोल रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना? कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ शरद पवार जी हैं अभी, आपके यहाँ पर दिग्विजय सिंह अलग लगे हुए हैं, कमलनाथ अलग लगे हुए हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं आपके पटोरी जी की, आपके राहुल भैया जी को आपने निग्लेक्ट कर दिया है, वो अलग लगे हुए हैं। आपके यहाँ पर ना नेता है ना नीति है, और ऊपर से मुख्यमंत्री बनना है, जनता के ऊपर राज करना है, जबकि हम जनता की सेवा करते हैं। अभी भी योजना है हमारे घर में लागू हो चुकी है, जनता बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन वो जो है कड़वा सच कभी करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाए। तो एक ही गुट बचा ना गीत जी, वहाँ तो एक ही गुट बचा है, आपके यहाँ तो तमाम गुट हैं। आपको एक 60 साल के व्यक्ति को उमा भारती के दबाव में टिकट देना पड़ रहा है, आपको बताइए कौन सा दबाव आपने देखा? ब्रिजेश जी आप ही मुझे उत्तर दीजिए, आपका प्रश्न भी बड़ा। बाडिका जी को आज ही आपने टिकट घोषित किया है उमा भारती के प्रेशर में, नहीं किया क्या? आपका एक रोट, आप मुझे एक बात बताइए। चलिए सूर्यकांत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सूर्यकांत जी, क्या जो 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए ये नाराजगी भारी पड़ सकती है, या मान जाएंगे जिस तरह से कि भाजपा को भी उम्मीद है कि उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला वो मान जाएंगे और आगे
कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस भी ऐसी उम्मीद पाले हुए, क्या आपको लगता है सब मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, या 2023 में इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी दोनों दलों को? आशा से आसमान टंगा है, अगर राजनीतिक दल और उनके बड़े नेता इस तरह की आशा करते हैं तो ठीक है, आशा करनी चाहिए, लेकिन यह बात सत्य है कि इस बार नगरीय निकाय में जिस तरह की परिस्थितियां और स्थितियां बनी हैं उससे राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए। भाजपा की बात अगर आप करें तो भाजपा आज अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकी है, उसमें भी उसे 3 बदलना पड़े। आखिर इस तरह की परिस्थिति और स्थिति बनी क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए पार्टी के नेता जिम्मेवार हैं, पार्टी के रणनीतिकार जिम्मेवार हैं, इसके लिए पार्टी के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई उसको फॉलो ना करने वाले जिम्मेवार हैं। कांग्रेस की बात पर अगर आप आए तो कांग्रेस में भी वही चला है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस बात से आरक्षित है, मैं पार्षद था और अगर आरक्षित हो गया तो पड़ोस के बाढ़ में शिफ्ट हो गया, लेकिन पड़ोस के बाढ़ का जो कार्यकर्ता है आखिर उसका हक तो मारा ही है ना। अगर नहीं मारा गया होता तो बात अलग थी, अगर भागीदारी नहीं हुई होती तो बात अलग थी। तो देखो दोनों तरफ, लेकिन कांग्रेस तो सूर्यकांत जी बात ही नहीं कर रही थी, उन्होंने कहा कि चाहे परिवारवाद हो चाहे कुछ हो हम तो टिकट देंगे। उनका एक ही फार्मूला था जो कमलनाथ जी ने कहा कि हम जिस वार्ड में रहने वाला है उसी वार्ड वाले को टिकट देंगे, वो जीतने वाला होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई फार्मूला वो मान ही नहीं रहे। तो जो फार्मूला मानेंगे उन्हीं से सवाल होगा ना। हमारा एक ही फार्मूला है, बता दें आपको। सूर्यकांत जी आप बोल रहे हैं या फिर मैं बोलूं? जी जी सूर्यकांत जी, देखिए मैं भाजपा की ही बात की है, कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ, और भाजपा की तो इसलिए मैं बात ज्यादा करूंगा, इस बार भाजपा में पहली बार ऐसा मौका देखने में आया है जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई उसके 2 दिन बाद आप टिकट घोषित सूची जारी कर पा रहे हैं, मतलब कितनी मारा मारी है। विधायकों का अलग दबाव रहा संगठन के ऊपर, तो संगठन भी असहाय नजर आया। तो सूर्यकांत जी जो सरकार में रहता है उसके यहाँ ज्यादा मारा मारी रहती है, हमने देखा है। दिग्विजय सिंह जी जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, फ्री फायर ऑल कर दिया था उन्होंने, जाइए लड़िए, जो जीत कर आ जाएगा हमारा है। उसके पहले भी 17 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उस बीच में जितने नगरीय निकाय चुनाव हुए, 3 नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उन नगरीय निकाय चुनाव में कभी भाजपा में इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि आप नामांकन के 2 दिन बाद प्रत्याशी घोषित कर पा रहे हैं, और उसमें भी आपको बदलाव करना पड़ रहा है, और वो बदलाव कब कर रहे हैं आप? कुछ नाम तो आपने ऐसे तय किए जिसको लेकर भाजपा की रीति नीति नियत सब पर करने लगे, कार्यकर्ता से लेकर आम जनता। सवाल तो बनता है आपको जनता, भाजपा का वो नहीं होता था, वो सब हो रहा है निकाय चुनाव में, जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल हम कांग्रेस में देखते थे बीजेपी में दिख रही। आपने गाइडलाइन बनाई वो धराशायी हो गई, आपको टिकट बदलना पड़ रहे हैं, घोषित करने में आपको टाइम लगाया, कांग्रेस हर बार आपसे बाजी मार लेगी, ऐसा ना हो कि चुनाव में भी बाजी मार ले। नहीं विवेक जी, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास, मैंने जैसे बताया ना कि इनके पास तो केवल और केवल एक ही काम है, राम राम जपना और पराया माल अपना, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी ये कमलनाथ जी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कमलनाथ जी के रोशनपुरी नाम के जो भांजे थे, उन्होंने क्या कारनामे करके दिखाए थे सबको मालूम है। तो भ्रष्टाचार से भरी हुई कांग्रेस पार्टी है बीच में। आप भी कहा खेत की बात कर रहे हैं, खलिहान में पहुंच जाते हैं, मैं विषय पे नहीं आ पा रहा। कमलनाथ जी के भ्रष्टाचार को क्या महापौर खत्म करें? जो भाजपा ने शुरू की, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनके जैसा कांग्रेस पार्टी है, ये किसी भी प्रकार से जनता का हित नहीं कर सकती। जनता ही समझती है, जनता को मूर्ख ना समझे, क्योंकि जनता ने बार बार जो है वो मुंह की खाने को देती है, और ये जो है बार बार मुंह की खा के आ जाते हैं। केवल और केवल चापलूसी और चाटुकारिता पे चलने वाली पार्टी है। क्या चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे, अपने ही दल का या दूसरे दल का, ये देखने की बात होगी। लेकिन बागियों को मनाने के लिए दोनों दल गंभीर हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से वो अपना नामांकन वापस ले लें और जो नाराज हैं उनको मना लिया जाए। कौन इसमें सफल होता है ये तो वक्त बताएगा, और किसके परिणाम मुफीद होते हैं और किसको नुकसान पहुँचाते हैं, और 2023 में इनकी नाराजगी का कितना असर होगा, क्योंकि 1 साल चुनाव के बचेंगे तो नाराजगी जल्दी दूर नहीं हो पाई तो उसका खामियाजा भी दोनों दलों को उठाना पड़ेगा, ये भी देखने की बात होगी। मुद्दा तो है, मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।